हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस। जेई का पेपर हुआ है अभी, तो उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और आप लोग काफ़ी डिमांड रही है कि सर जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में उसके और डिस्कस किया जाए। तो किसी बच्चे ने मुझे पेपर भेजा है एंड आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि उनकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या उनका रोल नंबर वगैरह आपके सामने यहाँ पब्लिकली ना किया जाए, इसलिए हम थोड़ा सोचते भी हैं पेपर को शेयर करने से पहले। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये वाला पेपर है दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है आई फील कि इन कंपैरिजन ऑफ द सेकंड शिफ्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को फायदा मिलने वाला है, कुछ बच्चों को इसको नुकसान भी देखने को मिलेगा। वॉट आई फील कि कम से कम 15 से 20 नंबर का फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, बिकॉज 4 to 5 क्वेश्चन आर वेरी डिफिकल्ट इन कंपेरिजन ऑफ द सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट इज फेमस फॉर वर्किंग विद ब्रिक एंड मड। तो ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इट इज द लोरी बेकर, और इनको गांधी ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको ब्रिक पे काम करना, मिट्टी से काम करना, जाली वर्क करना, लाइक यूजिंग ऑफ द वर्नेकुलर मटेरियल, इनका एक स्टाइल रहा है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज लोरी बेकर। अच्छा, जिस बच्चे ने दिए हुए हैं कैंडिडेट गिवन उनको बीए दिया हुआ है तो कोई जरूर नहीं सही है, लेकिन इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑफिस बिल्डिंग, ये बोल रहा है कि एक ऑफिस बिल्डिंग है वॉज बिल्ड विद 10 फ्लोर। एक ऑफिस बिल्डिंग है जो कि 10 फ्लोर है उसके अंदर। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 2 3 ऐसे ही 10 तक जाते हैं। इट्स ग्राउंड फ्लोर इज हैविंग हाइट ऑफ 4 मीटर, जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी 4 मीटर की हाइट है, और इंक्लूड स्लैब थिकनेस एंड ऑल दी फ्लोर्स आर ऑफ 3500। मतलब जो 2 से लेके जो 10 तक है, मतलब जो टोटल जो 9 फ्लोर हैं उनकी हाइट कितनी है, उनकी हाइट है 3500। ठीक है, तो आपको बताना है इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इट इज गोइंग टू बी 35.5। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना, इजी क्वेश्चन है। इसको मल्टीप्लाई करना और इसको 4 मत के ऐड करना, इसको 4000 ऐड करना, बिकॉज दिस इज इन एमएम। उसके बाद आप 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो यू विल कम इन द मीटर्स। ठीक है, या फिर इसको आप एक काम करो 3.5 मीटर ले लो, इसको ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 35.5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन। अगर हम बात करें आमेर फोर्ट और आगरा फोर्ट, यहाँ पर लोकेशन के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। देखो, दौलताबाद फोर्ट के अंदर 4 मीनार है, चांद मीनार है। ठीक है, ये सिंपल है। तो यहाँ पर अगर आपको वाला फैक्ट पता हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो एक का क्या हुआ, इट इज दी फोर्ट। अगर नहीं पता है तो लेट सी कि अगर आमेर फोर्ट है, आमेर फोर्ट के अंदर हमें इंटीग्रेट जाली वर्क देखने को मिलता है। ठीक है, आगरा फोर्ट के अंदर पितरादुरा वर्क देखने को मिलता है। पितरादुरा टेक्निक क्या होती है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियोज में। सिंपल टेक्निक होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक टाइल है, या मान लीजिए संगमरमर है, मार्बल है, आपने क्या करा, यहाँ से पार्ट इसको बाहर निकाला, लाइक या आपने ये वाला जो पार्ट को बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपने उसी जो स्लोट खाली हुआ है उसके अंदर आपने उसका प्रीसेस स्टोन या सेम प्रीसेस स्टोन आपने इसमें फिल कर दिया। ठीक है, उसको बोला जाता है पितरादुरा वर्क। तो आमेर फोर्ट जो है इंटीरियर जाली वर्क, आगरा फोर्ट ये है, और कुतुब मीनार के अंदर हम जानते हैं टैपरिंग टावर्स हैं, और दौलताबाद के अंदर ये है। सो 1 का 2 ये निकल का आया, B का 3। इसके अंदर अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन पता था आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आपको सारे पता होना जरूरी था, एक भी पता होगा तो आप कर सकते हैं। लाइक सबसे आसान जो मुझे लगता है, इट लाइक आमेर फोर्ट के अंदर इंटीग्रेट जाली वर्क, या फिर आगरा फोर्ट के अंदर पितरादुरा टैंक। और अगर चलो ये भी नहीं पता होगा तो पता है कुतुब मीनार के अंदर तो टैपरिंग टावर्स बने हुए हैं। ठीक है, सो इट वॉज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द 3 प्राइमरी कलर्स इन द कलर वी, रेड ऑरेंज येलो। तो पता है कि मैं जो ऑरेंज कलर है ये रेड और येलो का मिक्सचर होता है। सो यहाँ पर ऑरेंज कलर प्राइमरी कलर नहीं हो सकते हैं, प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जो किसी भी अदर कलर को मिक्स करके नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो इट इज रेड येलो एंड ब्लू। फिर आता है अजंता एलोरा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर, ये जो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नाटम पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पूछा किसके लिए फेमस है, हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस है, हिंदू टेम्पल्स के लिए नहीं फेमस है, माउंटेन्स के लिए, इट इज फेमस फॉर द रॉक कट केव्स। ठीक है, फिर ये आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, लाइक द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन है कि नेताजी कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बोला जाता है ना। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय जी को, आयरन मैन ऑफ इंडिया, या उनको बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, उनको बोला जाता है वल्लभ भाई पटेल के लिए। क्रांति सिन्हा सिंह को बोला जाता है नाना पाटिल जी का,
ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे और उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। सो कुछ चीजें पता होनी जरूरी है आपको अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि इन आयरन लेडी ऑफ इंडिया, अगर लेडी के बारे में बात की जाती है, इट इज कंसिडर दैट इंदिरा गांधी वॉज द पर्सन। अगर पूछा जाता है आपको शहीद आजम, तो ये होता है भगत सिंह जी के लिए पूछा जाता है। गांधी जी के लिए महात्मा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें निकनेम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, तो इसको लगा लेना कौन सा है। ए का है टू, ए का टू, अगर आपको ये ठीक है। वैसे भी दिखा रहा है कि ए का टू हो सकता है, दो बार ऑप्शन आए हुए हैं। सो आइदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और आइदर ऑप्शन सी इज करेक्ट। पंजाब केसरी के लिए लाल लाजपत राय, सो सी ऑप्शन चला गया ये। सो द राइट ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फिर आता है हड़प्पन मोहनजोदाड़ो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वीडियो देख लेना, वहां पर हर बार क्वेश्चन आना ही आना है आईवीसी के ऊपर। और कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप लोगों के अंदर सेंस की मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, हम लोगों को शॉर्टकट्स बड़े अच्छे लगते हैं कि मैं सिर्फ आपको बताऊँ कि 10 बारह क्वेश्चन दे दूँ और आपको बोलूँ कि इनको पढ़ लो, तो उसके ऊपर आप काफ़ी इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़ाई डिटेल में की जाती है वही आपके काम आती है। ठीक है, अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा पॉइंट ये रहता है कि आपको पूरा डिटेल में समझाया जाए। तो अगर आप चेक करेंगे उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, तो उसमें सब कुछ पूरा मैप के थ्रू बताया गया कि इट इज इन प्रेजेंट पाकिस्तान। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक चीज़ और भी आती है कि सर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू नाटा उलझ जाए। ऐसा मेरे बच्चों कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूँ वहाँ से ठीक हो जाए। ठीक है, ये कोई 5 छठी क्लास का एग्जाम नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है वहाँ से क्वेश्चन आने होते हैं। 12th आप कितने सीरियस हो आपको पता है कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस आर्किटेक्ट हैज डिजाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड साइंस एट बेंगलोर, सो इट इज ए पी कैरविंदे। इन्होंने, ये काफ़ी पुरानी बात है, 1960-70s के आसपास की बात है, और दैट टाइम इंदिरा गांधी ने इस बिल्डिंग का इनोग्रेट किया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ मैप मेजर 10 सेंटीमीटर, मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास एक यहाँ से लेके यहाँ तक मैप के 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इफ द स्केल ऑफ अ गिवन मैप इज 1:50, 500, तो ये बताया गया है, तो बताना आपको है कि एक्चुअली जो रियलिटी में हो कितना, जो ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस होगा। बहुत सिंपल है भाई, 1 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है, तो 10 सेंटीमीटर जो है कितना करेंगी, 5000 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगी। अगर मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 100 डिवाइड कर दूंगा, इट इज गोइंग टू बी 50 मीटर, सो ये 50 मीटर विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है दिस डे ग्रीन आर्किटेक्चर प्रमोट, हम लोग क्यों बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन दिल्ली, ग्रीन इंडिया क्यों बात करते हैं? टू बिकॉज इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ग्रीन का मतलब जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली से ही देखा जाता है। फिर आता है द ग्रोथ ऑफ लंदन सिटी हैपेंस अलोंग विद द रिवर, जितने मेजर सिटीज हैं कहीं ना कहीं रिवर इंपॉर्टेंट रही है, चाहे वाराणसी हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे नाइल हो, चाहे इजिप्शियन हो, ऐसे ही चाहे लंदन हो, सो इट इज द रिवर नाइल। नो, इट इज रिवर थेम्स। नाइल कहाँ पर है? इजिप्ट में है। थेम्स कहाँ पर है? लंदन में है। मेकोंग कहाँ पर है? एक होता है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, एक ग्रुप बना था काफी टाइम पहले इंडिया का। सो मेकोंग जो रिवर है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है, फिर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज के फ्लो करती है। सो एक ग्रुप है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, जिसके अंदर ये वाली बात आई थी कि जो कंट्रीज मतलब गंगा और मेकोंग के बीच में एक ग्रुप होना चाहिए। खैर, एक बार आप चेक कर लेना, सर्च करो रिवर मेकोंग और लिखो तो की मैप, तो यू विल गेट दिस। फिर आता है रिवर ग्रेट ऑल्सो, ये इट इज ऑल्सो इन लंडन, लेकिन लंडन में नहीं है, ये ब्रिटेन में है, तो इट इज नॉट द राइट ऑप्शन। वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लंडन है रिवर थेम्स पर बसा हुआ है। फिर आता है हु हैज डिजाइन द फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, तो इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है क्योंकि इतनी सारी बिल्डिंग को याद नहीं कर सकते हैं, सो इट द राइट ऑप्शन इज जॉर्ज विटे। ठीक है, फिर आता है हु इज अ पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग भारत माला, भारत माता। देखो भारत माता जो पेंटिंग का फेमस हुई है, इनके जो पेंटर रहे हैं, राजा रवि वर्मा नहीं है, नंदलाल बोस भी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी नहीं है, अविंद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। अविंद्रनाथ टैगोर जी क्या थे? एक्चुअली ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब भांजा बोला जाएगा। हाँ, तो जो अविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भांजे थे। ठीक है, और ये भारत माता जो पेंटिंग का फेमस हो गई थी, इट वॉज इन 1905, एक मूवमेंट चला था अपने इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट। हुआ क्या था कि दैट टाइम द गवर्नर द वाइस रॉय वॉज कर्जन,
तो कर्जन को एक चीज फील होने लगी थी कि जितने भी प्रॉब्लम हो रही है, द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस, डिमांड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट इज कमिंग फ्रॉम द बंगाल स्टेट। तो प्रेसिडेंसी तीन हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो बंगाल काफी बड़ा हुआ करता था और वहां से ही पूरी मेजर डिमांड आने लगी थी। सो उसने बोला कि बिकॉज द साइज वेरी बिग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एडमिनिस्टर, सो उन्होंने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। उसने बोला बंगाल को पार्शन करने वाले हैं। अब पार्शन इस तरह का था कि एक तरफ मुस्लिम लोग आओगे, एक तरफ हिंदू लोग आने लगे। सो देखा तो, बोला तो ये गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, बट इन रियलिटी कि हिंदू और मुस्लिम को जो यूनिटी है उसको खत्म करने के लिए क्या गया था। उसके अगेंस्ट ये एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया 1905, और जिसके अंदर भारत माता जो पेंटिंग काफी फेमस पेंटिंग हुई थी। ठीक है, फिर आता था हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, एंशंट वंडर्स हैं, जो सेवन एंशंट वंडर्स हैं उसके अंदर हैंगिंग गार्डन्स माने जाते हैं। सो इट इज नॉट इज यूएई और ईरान और टर्की, इट इज इन इराक। ठीक है, सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये आई थिंक बाबिल प्रोविंस में है, इराक का एक प्रोविंस है बाबिल प्रोविंस, कुछ ऐसा बना हुआ है इराक इस तरह का है। तो रिवर फ्लो होती है यहाँ पर भी, सेंट मार्को देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज बेस्ड ऑन द वास्तु पुरुष मंडला, ये कई बार बता चुका हूँ, जयपुर की प्लानिंग के ऊपर। तो जयपुर की प्लानिंग जो की गई है वास्तु पुरुष मंडला के ऊपर की गई है। एक वीडियो आई थी, मैंने बना के रखा था, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भीमबेटका इज सिचुएटेड, इट वाज इन न्यूज़। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के अंदर इंडिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, इस तरह की पेंटिंग्स, ऐसा कुछ लाइन। गोविंद सागर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये कहाँ पर है, हिमाचल के अंदर। गोविंद सागर जो लेक है, और ये है भाखला डेंगल डैम के बारे में सुना होगा। तो जो भाखला जो डैम बनाया गया है उसी के साथ पानी स्टोर करना होता है, जो पानी स्टोर किया जाता है उसको बोला जाता है गोविंद सागर लेक। फिर आता है ADFF, ये है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन फिल्म फेस्टिवल, ये इंडिया का नहीं है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का फेस्टिवल है, और ये 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रिटी एक्टर वॉज पार्ट ऑफ द अवार्ड विनिंग मूवी विच एंड ही गिव इट टू दोज वन, तो एक मूवी आई थी और एक काफी पहले मूवी आई थी, तो ये किसने किया था, इट वॉज शाहरुख खान, साथ में मनोज वाजपेयी भी थे इसके। अब लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नाटा के साथ साथ जो एक्सक्यूज नाट एनटीए वाले हैं ये काफी सीरियस हैं इनके ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। अब लेट्स सी कि अगर हम कंपाइल कर पाते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं, बुक्स के ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सी किस चीज़ के ऊपर, लाइक देखते हैं अगर हमको मिल पाता है तो वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। फिर आता है कूल कलर इन दी कलर विल रिप्रेजेंट सनलाइट हीट, ये दोनों क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, स्काई इज द राइट ऑप्शन। फिर आता है कि सिटी ऑफ स्कायस्क्रेपर किसको बोला जाता है, कौन सिटी को, कॉकपिट ऑफ द यूरोप, फॉरबिडन सिटी, ये मैंने क्या बताया, फॉरबिडन सिटी किसका, बीजिंग को बोला जाता है, इंडिया का बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। फिर आता है कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो यूरोप का मतलब यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, चाइना यूरोप में आता नहीं आता, यूएसए यूरोप में आता नहीं आता, बेल्जियम। सो वो सिंपल है ना कि भाई यूरोप के अंदर कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब क्या होगा, कोई सिटी होगा जो बेल्जियम, जो यूरोप में रहता होगा, यूरोप में होगा उसकी लोकेशन, चाइना यूएसए तो यूरोप में नहीं आते हैं। सो अगर इसका हिसाब लगाएंगे तो सी का हो जाएगा वन। तो देखते हैं सी का वन, या तो बी सही है, सी सही है, और बी का क्या है, फोर, बी का फोर, दोनों का ओके, दोनों का सेम आ गया। सो सिटी ऑफ स्काई स्केपर्स किसको बोला जाता है, न्यूयॉर्क, यहाँ पर आप देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स वगैरह मिलेंगे आपको, स्टेट एम्पायर बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पुराने वीडियोज में, गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में बात किया था। ठीक है, रेड कलर का बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, वी हैव ऑल डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो एंड दिस वीडियोस आर पब्लिकली अवेलेबल। सो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ए का थ्री, ए का थ्री नहीं है, ये रहा, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन और डी का टू। अच्छा, इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप क्यों बोला जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फेमस वॉर वॉज फाउट इन बेल्जियम ओनली, यूरोप के अंदर जितनी भी लड़ाई हुई है मोस्ट ऑफ द लड़ाई जितनी भी देखने को मिलती है बेल्जियम में ही देखने को मिलती है। फिर आता है गिवन बिलो द नेम ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये मुझे फालतू क्वेश्चन लगा, लाइक किसी को क्या फर्क पड़ता है कौन से साल में इसको नॉमिनेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, और चलो खैर ये सब चीज़ें अगर मुझसे आप क्वेश्चन बोलेंगे तो मैं सोल्व कर सकता था, लेकिन मुझे इसका यूज़ नहीं लगता है, आई डोंट बिलीव इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हाँ, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए, लाइक
आपसे पूछ सकते थे कि एक रिसेंटली एक साइट अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई है, तो अगर उस लिस्ट का नाम होता तो ये चीज लॉजिकल बन जाता है कि बिकॉज दिस वॉज इन न्यूज तो आपको पता होना चाहिए था। लेकिन ये सारे के सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं ये काफी पुराने हैं, लाइक आई सपोज ये 1980s और 90s के बीच के हैं। अगर आपसे पूछा जाता जयपुर के बारे में पूछा जाता तो जयपुर आई थिंक 2017 के अंदर हुआ था, फिर अहमदाबाद जो इंक्लूड हुआ 2000 और नो नो जयपुर जो हुआ था इट सबसे पहले हुआ था अहमदाबाद, सो 2017 में, और 2019 में जयपुर देख मिलता है, और धोलावीरा इट वॉज द लेटेस्ट एडिशन 2021 के अंदर। इन ऑप्शन को दिया जाना जरूरी था, तो ये सब चीजें याद रखना कोई जरूरी नहीं है आपसे ये पूछे अगली बार ये पूछा जाएगा। ठीक है, जयपुर जो आया था वो 2019 में, अहमदाबाद 2017 में, और धोलावीरा जो साइट है वो आई थी अभी 2021 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट है हम लोग कल्चरल साइट या फिर नेचुरल साइट या फिर मिक्स साइट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर हैविंग अराउंड 40 साइट्स इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, जिसके अंदर हमारे काफी सारे साइट कल्चरल में है और 7-8 साइट हमारे नेचुरल में, बट वन साइट इज इंक्लूडेड एज अ मिक्स साइट, वहां पर कल्चरल और नेचुरल दोनों की इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हैं कि कौन सी होगी इसकी? तो अगर आपको है तो आप मुझे बताइए प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के इसका। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? लक्ष्मी विला पैलेस, चौमाला पैलेस और उमेश। सो नाहरगढ़ फोर्ट तो मुझे बताया कि इट इज इन जयपुर, सो 1 का 3 है। अगर आपको इतना ही पता था तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये सारे फोर्ट्स इतने सारे याद होना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे फोर्ट याद करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर आवर पिक्चर एस्पिरेंट, लेकिन चलो देखेंगे इसको भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ, डोंट बी पैनिक आफ्टर वॉचिंग द क्वेश्चन, लाइक थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो हो सकता है। नाहरगढ़ फोर्ट कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है, लास्ट ईयर भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। तो अगर इतना ही पता है कि भाई ये जयपुर में है या फिर राजस्थान में, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन तो है, तो बाकी जरूरत ही नहीं है पता होने की। क्या जरूरत है इन सब चीज़ें, हमें सिर्फ इतनी जानकारी हो। और अगर आप मान लीजिए लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इट इज इन वडोदरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरावली रेंज, सिरिमुली रेंज, जस्क रेंज और गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये नाटा में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने उसको पूरा मैप के थ्रू बताया भी था आपको, तो अगर किसी ने वो देखा होगा तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली इसका फायदा मिल गया होगा। देखो अरावली रेंज जो आते हैं ये आते हैं आपके दिल्ली से लेकर माउंट आबू वेव जाती है, लेट मी मेक इट फॉर यू। ये दिल्ली जो है ना पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये ऐसा कुछ जाती है और एक छोटी सी वेव जाती है हमारे इस तरह से। ठीक है, सो ये अरावली रेंज में आते हैं। तो अरावली जो रेंज है यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट पार्ट बोलते हैं, लेकिन चलो वेस्टर्न पार्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। सो एक का हो गया 2, अगर एक का 2 पता है तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। यहाँ पर सिरुमल्ली जो हिल्स हैं ये आते हैं आपके साउथ इंडिया में, मतलब तमिलनाडु के आसपास, तो ये हो गया बी का 1। जस्क जो रेंज है उसको बोला था जस्कर रेंज। सो यहाँ पर काराकोरम रेंज है, यहाँ पर काराकोरम रेंज है, यहाँ पर लद्दाख रेंज है, और यहाँ पर जस्क रेंज है, जस्क या जस्कर रेंज है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो फिर आता है डी का क्या बचा हुआ है, इट इज ईस्टर्न पार्ट, एक्चुअली नॉट इज ईस्टर्न पार्ट, ये आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, लेट मी शो यू। तो अपना इंडिया ये है, तो ये मेघालय है, तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, 3 ट्राइब्स होती हैं, 3 ट्राइब के जो हिल्स हैं उसके नाम से ट्राइब है, ट्राइब के नाम से हिल्स बने हुए हैं। ठीक है, सो गारो खासी जयंतिया जो ये हैं ये ट्राइब्स बोल सकते हैं या फिर हिल्स बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली ये पार्ट जो आता है नॉर्थ ईस्ट आता है, लेकिन अप्रोप्रिएट यही है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, बट द राइट वर्ड शुड बी नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, शिव सागर टेम्पल, शिव सागर टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज इन आसाम। सो ए का क्या हुआ 2, तो वैसे भी ए का 2 है, तो या तो ऑप्शन हमारा बी सही हो सकता है या फिर ऑप्शन डी सही हो सकता है। फिर आता है दशावतार टेम्पल, जो मुझे जानकारी है ये आता है आपका सी में, तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो सी का ऑप्शन होगा 3, सो ऑप्शन बी इज राइट। सिद्धेश्वर टेम्पल या फिर हम लक्ष्मण टेम्पल की बात करें, इतने सारी चीजें नहीं है, मेरे कहने का मतलब मैच ऑफ दी फॉलोइंग क्वाइट इजी क्वेश्चंस, लाइक अगर आपको एक ही दो फैक्ट पता है तो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं। इन दैट केस मुझे शिव सागर टेम्पल और दशावतार टेम्पल के बारे में पूरी जानकारी थी, और जो लक्ष्मण टेम्पल है एक्चुअली ये खजुराहो टेम्पल में आता है, और सिद्धेश्वर टेम्पल जो है ये आपको मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है,
लेकिन आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के थोड़ी सी मैच ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेशन मेथड, दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज सपोर्ट कि आप इलिमिनेट करना सीखो, जितनी जल्दी इलिमिनेट करना सीखो उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर आता है लोकतक इज ए फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग रिवर, मैंने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन भी, बिल्कुल एक फ्लोटिंग रिवर है यहाँ पर, एक आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। लोकतक कहाँ पर है? इट इज इन मणिपुर, अपने नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स हैं, वहां पर ये देखने को मिलेगा। आई थिंक मैंने इन्वायरमेंट डिस्कस किया था वहां पर, मैंने चीज डिस्कस की हुई थी। लोकतक लेक इज वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, यस ऑफ कोर्स, तो मोस्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन वन एंड टू आर करेक्ट। ये क्वेश्चन तो क्या ही था, मुझे समझ में नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर विद रिस्पेक्ट टू, तो ये छोटी बड़ी क्यों बनेगी ना, सिंपल है, तो आपका यही तो बनेगा, बी इज द शुड बी द राइट ऑप्शन। यहाँ की बात करें, क्वेश्चन फिगर ए बी सी शो सीरीज ऑफ द कॉन्फिगरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द आंसर फिगर व्हिच इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द फिगर डी, तो ये क्या हो रहा है, ये इधर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ हो गया, मतलब यहाँ नीचे की तरफ आता है, तो 135 डिग्री में मूव हुआ, फिर क्या होता है 135 डिग्री मूव कर यहाँ पर आ जाता है, तो वेरी मच क्लियर कि अगला जो आने वाला है वो कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, और जो ये उसके साइड अपोजिट चल रहा है, सो समहाउ ये कहीं यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ की बात करें तो आपको बताना था क्या फिट होगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ये लाइन, जो ये लाइन है और जो ये लाइन है ये सेम होनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर जो लाइन है ये लाइन है सेम होनी चाहिए, फिर जो ये वाला लाइन है यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर ये इस तरह से कुछ ऐसा कुछ बनाया जाएगा, ऐसा कुछ इसको पूरा मार्क कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देख लो क्या बन का आ रहा है, यहाँ पर ये आई थिंक बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि देखो इसको लिमिट कर दो, ये तो पार्ट नहीं हो सकता, अगर आप इसको यहाँ पर ऐसा बनाना चाहते हैं तो ये तो लाइन नहीं आनी चाहिए, हटा दो इसको, तो ऑप्शन डी गॉन। फिर अगर हम बात करेंगे जो ये लाइन है इतना बड़े की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ मैच नहीं हो रहा है जबकि यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो ये मैच नहीं होगा, सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है कि सिलेक्ट द आंसर फिगर विच शोज करेक्ट व्यू ऑफ एन क्वेश्चन फिगर रोटेटेड बाय 90 डिग्री ऑन इट्स साइड। एक्चुअली सही तो वर्ड ये होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उनको बोल दिया जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन चलो तो इसमें आप देख लो इसका क्या निकल का आएगा। लाइक आई कैन शो यू, यहाँ पर एक टूल है मेरे पास, हम इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ इस तरह से, सो वैसे भी सोच सकते हैं आप कि जो ये वाला पार्ट है ये अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये पार्ट इधर की तरफ आएगा, ऐसा रोटेट होगा ना, तो ये वाला पार्ट तो कुछ यहाँ पर ये पार्ट आना चाहिए था, यहाँ हटा दो, फिर ये वाला पार्ट सही है, हो सकता है अगर ये वाला पार्ट सही है तो फिर आपको यहाँ से, और बीच में सेंटर वाला पार्ट है तो सेंटर वाला पार्ट मिसिंग है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, फिर यू कैन सी। फिर आता है आइडेंटिफाई दी नंबर ऑफ दी सरफेस इज इन द फिगर, तो काउंट कर लो यार कितना है, एक काम करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो साइड वाले हो गए, 12 और 13, सो 13 इज द राइट ऑप्शन। मिरर इमेज आप इसको निकाल लेंगे, आई डोंट फील कि इसमें कुछ कंफ्यूजन होनी चाहिए आपको, मिरर इमेज के लिए मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था, कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, मतलब पहले तो आप ये देखो कि ये तो जो ये वाला पार्ट है इसका पोजीशन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो वहाँ से निकल जाएगा। फिर यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, जो सर्कल है बीच वाला ये बिल्कुल इस लाइन से मिला हुआ है, ये जो लाइन है काफ़ी दूर है, बिल्कुल नॉर्मल अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर आप चीज नोटिस करेंगे कि अप्रोप्रिएट है, तो डिस्टेंस कभी ना तो कम या ज़्यादा हो सकती है, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। इनको भी आप मिरर इमेज कर देंगे। यहाँ की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ से एक चीज नोटिस करते हैं कि आपको यहाँ से बताना है कि क्या दिखाई देगा, सो अगर हम यहाँ से एक नोटिस करते हैं तो व्हाट वी कंसिडर कि यहाँ पर एक लाइन आ सकती है, ऐसा नहीं कि लाइन नहीं आ सकती, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक चीज मानते हैं कि देर इज नो लेवल डिफरेंस, यहाँ पर कोई लेवल डिफरेंस नहीं है, ये जो है ना सेम लाइन कंटिन्यू हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम उसको पूरा का पूरा एक सरफेस मानते हैं अगर हमें कोई चीज शो नहीं हो रही है, सो इसको ये हम हटा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये लाइन है तो फिर ये वाला लाइन भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, जो नीचे की लाइन है इसको भी हटा देंगे, देन वी लेफ्ट विद ऑप्शन सी एंड डी। सी और डी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एक लाइन आई हुई है लेकिन जो यहाँ से दिखाई देगा
ये लाइन नहीं दिखाई देगी बिकॉज इट वन सरफेस, तो ये हट जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर क्या दिखाया हुआ है इसके अंदर, आपको एलिवेशन बतानी है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर हम देखते हैं ये वाला पार्ट, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि जो ये जो ब्लॉक है ये उसके राइट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया है, यहाँ पर कुछ और ही दिया हुआ है, राइट साइड में सिर्फ एक ही है। तो मोस्ट प्रोबली डी विल बी द राइट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, ये आपको दिखाई देगा, तो ये पार्ट यहाँ से आया, ये जो सर्फ ये जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फिर आपको जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फिर आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जो ये वाला पार्ट है आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आई थिंक ये भी सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पार्ट लेफ्ट आना चाहिए, तो ये दोनों तो अलग हट जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, हाँ ये वाला इस बार हमें पार्ट दिखाई देगा, तो इट शुड बी लाइक दिस। यहाँ से देखने के बाद यहाँ से आएगा, और उसके पीछे क्या है ये हम पता नहीं चलेगा ना, हमें सिर्फ वाला पार्ट दिखाई देगा। सो दिस पार्ट एंड जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आया, और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ आया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज व्हाट आई कंसीडर कि आपने इसको देखा होगा, आपने पेपर दिया होगा। तो लाइक जो बच्चे नए देख रहे हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस अगर चेक करोगे जहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिनको थोड़ी सी इस फील्ड में थोड़ा सा जानकारी है, पीछे देख लेंगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये पार्ट आपके लेफ्ट आना चाहिए, तो ये दोनों अलग हट जाएंगे, और यहाँ से आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा इस बार, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, नॉट ऑन दिस पार्ट। तो ऑप्शन बी से विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आता है इसका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉप व्यू, आप टॉप व्यू बताना है। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, द प्रॉब्लम फिगर शोज 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉप व्यू। टॉप व्यू, टॉप व्यू एक्चुअली इसमें कोई है ही नहीं, ये टॉप व्यू ही नहीं है, ये टॉप व्यू ही नहीं है, टॉप व्यू सिर्फ एक ही है, तो यही सही होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कैसे सही होगा। देखो जो ये बार बार लाइन गई हुई है, ये वाली, ये जो बार बार लाइन गई हुई है चारों तरफ, तो ये आपकी लाइन आ गई, ये वाली। फिर आपको ये वाला पार्ट जो आता है यहाँ पर आ गया, फिर जो ये वाला कट का आएगा यहाँ पर, ये वाला कौन आ गया, फिर जो ये वाला पार्ट है ये आपका यहाँ पर आ गया, और जो ये वाला फेस है यहाँ पर है, और जो ये वाला पार्ट है ये आपका यहाँ पर आ गया। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन को देखते हैं, आपका एलिवेशन बताना होगा, तो जो ये पार्ट पूरा का पूरा आना चाहिए, लाइन क्यों आगे हटाओ इसको, ये लाइन क्यों आगे इसको बैठाओ। ऑप्शन या तो सी है या फिर डी सही है, इन दोनों के अंदर आप चेक कर लो। फिर यहाँ पर लाइन फिर आई हुई है ना, यहाँ पर यहाँ लाइन, तो ये लाइन गलत आई हुई है ना सब जगह, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सी विल बी द राइट ऑप्शन, जरूरत नहीं सोचने की। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको एलिवेशन बताना है, तो ये क्या है, यहाँ से लेके इसके लाइन तक आया हुआ है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर, तो आप उसका एलिवेशन देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल तो दिखाई देगा ही नहीं, सर्कल कभी ऊपर देंगे सर नहीं आएगा, तो सी और डी हटा दो इनको, इसने इसने गलत लिखा हुआ है इस बच्चे ने, सी इज नॉट द राइट ऑप्शन, सी हटाओ। तो ए है या फिर बी है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको देखते हैं इसके पीछे ये, इसका मतलब ये कुछ ना दिखाई देगा, सो इट्स लाइक ए सिलेंडर, तो आपको सिलेंडर का ये पार्ट दिखाई देगा, सो सी मतलब इस केस के अंदर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरे बच्चों ये वाला है, सो बी है ना ये है। फिर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं सोचना पड़ेगा इसके बारे में, लाइक ये जो कुछ बनना चाहिए, ये कुछ मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा है, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम इसको पूरा टाइम नहीं दे पाए इस क्वेश्चन के लिए, ये कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इट शुड लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ थोड़ा सा मैं आपको बेटर बनाऊँ, तो ये कुछ अपने को ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसका एलिवेशन देखेंगे तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो ये वाला फेस है जो यहाँ पर है प्लेन है, तो कहीं ना कहीं आपको हाइट ऐसा कुछ बन भी सकता है, ऐसा ही बन सकता है, तो तब भी पार्ट दिखाई देगा। चलो खैर इसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये सी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। फिर आता है कि फिगर शोज शोज प्लान ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पूछा गया है जो गलत है, तो क्या का क्या हो सकता है इसका एलिवेशन प्लान। तो सबसे पहली बात है, इसका भी प्लान बन सकता है, बिल्कुल प्लान बन सकता है, क्योंकि सेंटर में ऊपर देखेंगे तो इसको बिल्कुल ऐसे ही आएगा, अगर हम उसको देखते हैं यहाँ पर लेवल डिफरेंस है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे डिजाइन आने वाला है,
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे डिज आएगा, तो ये पार्ट नहीं आएगा। इसका प्लान कैसा बनेगा? इसका जो प्लान बनेगा कुछ ऐसा कुछ बनेगा, है ना, दो लाइन, ये वाला भी आएगा एक सर्फेस, ये वाला भी आएगा, ये सर्फेस और ये सर्फेस। तो ये जो है इसका सी ऑप्शन जो होगा गलत होगा। ओके, फिर ये आता है कि आपको एलिवेशन बतानी है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये पार्ट 1 2 3, 1 2 3 दिखाई देगा, ठीक है, फिर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, लेकिन ये लाइन यहाँ पर नहीं, तो ये गलत आ गया, तो इसको हटाओ। यहाँ पर बॉक्स गया है, इसको हटाओ, इसका ऑप्शन सही बनेगा। और सी में डी में चेक कर लेते, यहाँ पर लाइन मिसिंग है, जब यहाँ लाइन होनी चाहिए। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आता है ये वाला कि ये पार्ट आपका यहाँ पर आया है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आया है, फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये पार्ट यहाँ पर, और ये वाला पार्ट यहाँ पर। सही ऑप्शन ए ही है गेस। लेकिन चेक कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पार्ट मिस कर जाते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि अच्छा अब ये हमें सही लग रहा है। इसका मिलता जुलता कौन सा है? सी तो नहीं है, क्योंकि सी की जो लाइन है यहाँ नहीं, यहाँ तक जा रही है, ऐसा कुछ है, जबकि हम देखेंगे तो ये लाइन यहाँ तक नहीं है। तो सी को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। बचा डी, डी के अंदर हम कंपेयर करते हैं, तो ए हमारा सही था ना, ए, तो यहाँ पर एक लाइन आई हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे लाइन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो हमारा सी और डी दोनों चले गए। ऑप्शन बचा ए और बी, ए और बी के दोनों का हम कंपेरिजन कर लेते हैं, ये लाइन आई हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है, बिल्कुल लाइन है, लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं दी गई, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। इस बच्चे ने ऑप्शन नहीं किया हुआ है तो सही होगा। यहाँ पर देखेंगे आई गेस ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 2 1, यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन पूरी आनी चाहिए, देखो ये वाली लाइन है ना, पूरी आनी चाहिए, तो भाई इस लाइन क्यों आई है, हटाओ इसको, एडमिट करना स्टार्ट कर दो, सिंपल 1 2, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, लेकिन यहाँ पर क्या 4 है, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3। सो ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा हाँ, हमें ये वाला लेफ्ट दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर आ गई है, फिर ये वाला पार्ट, ये ब्लॉक यहाँ पर आया, ये वाला फेस आपका यहाँ पर आया, फिर ये वाला फेस भी तो आएगा ना, ये आ गया, फिर आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये वाला पार्ट है, इसके पीछे ये वाला दिखाई देगा, ये होगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। टॉप व्यू बताना है आपको, तो टॉप व्यू देख लेते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर, और ये लाइन क्यों है, ये लाइन नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए चला गया। ऑप्शन ए के बाद मतलब ऑप्शन बी सही होना चाहिए, बिल्कुल ये सेम ही है, तो इस मेरे भाई ने जितने भी कराया है बच्चे ने, बी बिल्कुल सही है। फिर आता है टॉप व्यू, उसका बताना है, बहुत इजी है टॉप व्यू। तो आपको ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन नहीं आनी चाहिए, इसको हटा दो, ऑप्शन ए कौन। यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, 1 यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, फिर 1 एंड 2, आई थिंक ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, बाकी चेक भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर कितने, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, हाँ, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सो सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। भाई देखो, ये जो पार्ट आया आपका, ये वाला आ गया, फिर जो ये वाला फेस आया आपका, यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर आपका वाला पार्ट यहाँ आ गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं आपको लाइव सॉल्व करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा आंसर की वगैरह नहीं है, इसमें जो बच्चे ने लिख तो रखा है सही, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, तो कभी कभी सिर्फ आपको दिखाता हूँ कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें टॉप व्यू से कैसे बताएंगे, तो सिंपल है कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा आना चाहिए यहाँ पर, ये लाइन है टावर, इसको ये कुछ उल्टा ही आ गया, ये कुछ उल्टा ही आ गया, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला फेस यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 3, 1 2 3, और जो ऊपर देखेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, इनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोपोर्शन वाइज लिखा है इसको, ये कहीं इसके बीच में आएगा, तो मतलब कोई भी जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसे आने चाहिए इसके बीच में। सो यहाँ पर आप देखेंगे, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टॉप व्यू बताना है आपको, तो बता दो टॉप व्यू, ये पार्ट यहाँ पर आ गया, ये पार्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन सीधी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा, यहाँ पर आ गया, फिर ये जो लाइन है, फिर यहाँ पर गैप क्यों आया हुआ, ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत है, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इस बच्चे ने डी लिखा हुआ, कैसा, देखो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ गया, जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आया, लेकिन आप चीज़ नोटिस करेंगे इधर से गैप
मतलब जो लाइन गई हुई है ना ये वाली, यहाँ पर गैप है, बिल्कुल मिला हुआ नहीं है इस लाइन से, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन होगी ये बीच में गैप होना जरूरी है। फिर ड्रॉइंग क्वेश्चन आए कि ड्रॉ ए प्रोपोर्शनेट स्केच ऑफ अ गिवन रेफरेंस इमेज, यूज ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग टेक्निक ऑफ योर चॉइसेस। तो आपको बताना होता है, देखो ये सब चीज़ें ड्रॉइंग के बारे में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो टॉपर्स होते हैं आप 1 या 2 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन, 1 महीने में नहीं बन सकते हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके पास टाइम है अभी, लाइक यू हैव इफ यू आर हैविंग मोर देन 3, 4, 5 मंथ्स, 1 साल 2 साल है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। लास्ट मोमेंट के पास तो कर सकते हो क्वेश्चन, एक ठीक ठाक नंबर ला सकते हो, अच्छे नंबर भी ला सकते हो, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि टॉपर टॉप करना है या टॉपर में रैंक में आना है, तो आप वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ड्रॉइंग में, क्योंकि नीड प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन है। फिर आपको बस इसको कॉपी करना था। फिर आता है कि ड्रॉ अ सीन ऑफ होली फेस्टिवल यूजिंग कलर ऑफ चॉइस टू रेंडर द ड्रॉइंग। तो आप कलर यूज कलर भी आप डाल सकते थे अपने हिसाब से। और ये पूछा गया था यूज ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल ऑफ योर चॉइस, क्रिएट अ कंपोजिशन विद मे रिफ्लेक्ट रिदम। अब रिदम क्या होता है, इसको जिसको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेगा, इसी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, सो दिस वॉज अ डिस्कशन। और अगर आपके एग्जाम पास खत्म होने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर 2023 और 2024, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स फॉर द फुल ईयर प्रोग्राम, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।